नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। आज आपको एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि दो चार अलग अलग वीडियो को कंबाइंड करके दिखा पाए। वैसे शुरू करते हैं इससे, इस गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न था ब्रेक करने से ही नॉइज़ हो रहा है। और अगर आपका गाड़ी में भी कभी, मैं चाहता नहीं हूँ कि कभी भी आपको ऐसा मतलब इस नॉइज़ को झेलना पड़े। एक्चुअली गाड़ी जैसे ही आप ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में गाड़ी से एक भयंकर सा मेटल टू मेटल घिसने जैसा आवाज आ रहा है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। अभी मैं आगे ब्रेक करता हूं तो नोटिस कीजिए। ओके, तो मोर देन 90% पीपल को ऑलरेडी पता चल गया है कि ये एक्चुअली गाड़ी की जो फ्रंट ब्रेक पैड है, ज्यादातर केस में ब्रेक पैड घिसने की वजह से होता है। अगर आपको समझने में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप, तो गाड़ी का कम से कम चारों जो ब्रेक है उसको खोल के एक बार देख लीजिए। नॉर्मली ब्रेक पैड या शू घिसने के वजह से जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है तब जाके इस तरह का नॉइज़ होता है। अब आगे मैं आपको इसकी ब्रेक खोल के एक बार दिखाता हूँ ताकि आप पूरा कन्फर्म हो जाए। तो ब्रेक खोलने से जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क जो है ये पूरा घिस गया है। और इस तरह की केस में आप चाहें तो ब्रेक डिस्क जो है इसको टर्निंग या स्किमिंग करा के लेथ शॉप से इसको फिर रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका ब्रेक पैड जो है ये पूरा ख़त्म हो गया है और ब्रेक पैड आपको नया डालने होगा। और जब भी ब्रेक पैड डालें तो कोशिश कीजिए जेन्युइन ब्रेक पैड का यूज़ करना। गाड़ी की सॉकर या स्ट्रट में अगर आपको ऐसा गीला हुआ या भीगा हुआ निशान दिख रहा है तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी की जो स्ट्रट है वो लीकेज हो गया है, इसको चेंज कर देना ही बेस्ट है। इस गाड़ी में कस्टमर का इंजन चेक लैम्प ग्लोइंग था, तो जब मैंने चेक करने गया तो मुझे ये इंजन चेक लैम्प क्यों ग्लोइंग है उसका रीज़न पता चल गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूहे आके इसके ऊपर एकदम बैठा हुआ है, मतलब आराम से गाड़ी चल के आया, जबकि आफ्टर दैट फिर भी ये गाड़ी में अभी तक बैठा हुआ है। और इस तरह का अगर चूहा होगा तो आप चाहे जितना भी कुछ कर ले, आपका गाड़ी को इस चूहे से कोई बचा नहीं सकता। बट फिर भी YouTube में बहुत सारा ऐसा वीडियो अवेलेबल है जिससे अगर आपकी गाड़ी मेनली लॉन्ग टाइम पार्किंग में आप छोड़ के जाते हैं या फिर आपका गाड़ी बहुत ज़्यादा कम चलता है तो उस केस में आप एक बार कम से कम चूहे से अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। डीजल गाड़ी में ब्लैक स्मोक होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको EGR, इंटरकूलर, इंटेक मैनिफोल्ड ये सब क्लीन करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सारा सब कुछ क्लीन करने के बाद भी लोग साइलेंसर को क्लीन करना भूल जाते हैं और गाड़ी से ब्लैक स्मोक जो है वो लगातार निकलता ही रहता है। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप गाड़ी में EGR, इंटरकूलर या इंटेक मैनिफोल्ड जब भी क्लीन करें तो साइलेंसर को ज़रूर अच्छा से क्लीन कर दे, क्योंकि बहुत सारा कार्बन इसके अंदर भी डिपॉजिट होने के कारण गाड़ी में ब्लैक स्मोक होता रहता है। ब्लैक स्मोक के केस में आपको और एक चीज़ में ध्यान रखना है, जैसे कि गाड़ी का जो इंटरकूलर है और जो इंटेक सिस्टम है उसमें कहीं पर भी कुछ लीकेज या चुक तो नहीं है। जैसे कि ये गाड़ी में आप देख सकते हैं इसकी इंटरकूलर बहुत ज़्यादा चुक था, तो इसको क्लीन करने के बाद मुझे जो मिला है इसकी इंटरकूलर में एक छोटा सा डैमेज था और जिसके कारण गाड़ी का ब्लैक स्मोक भी हो रहा था और साथ साथ पिकअप का इशू भी आ रहा है। तो इस पर भी आपको ध्यान, अगर एसी ऑन करने पे आपको बैड स्मेल मिलता है तो उस केस में आप सबसे पहले गाड़ी का जो ब्लोअर मोटर है उसको खोल के अच्छे से क्लीन करवा लें। गाड़ी का एसी में जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें ऐसा प्रेशर गेज का यूज़ करना पड़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हाई प्रेशर का जो सुई है ये जैसे ही एक्सेलेटर करते हैं गाड़ी को तो सुई एकदम से भर के फिर एसी कट ऑफ हो जाता है। और आपको कभी भी अगर ऐसा गाड़ी में होते हुए दिखता है तो उस केस में आपको कंडेंसर अच्छा से क्लीन करवा लेना है, इससे आपकी गाड़ी की जो एसी है वो फिर से प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। क्रैंक करो, इस वीडियो को देख के आपको लग सकता है कि गाड़ी का जो 3 नंबर इंजेक्टर है वो खराब है, लेकिन एक्चुअल में इसके इंजेक्टर सही है जबकि ECM खराब है। कंफर्म करने के लिए मैंने इंजेक्टर को आपस में इंटरचेंज किया, एक का 3 पे लगाया। और अभी देखिए अच्छे से अगर देखेंगे तो ये देखिए एक बार के लिए इंजेक्ट हुआ, फिर देखिए ओके। तो ECM का प्रॉब्लम ऐसे भी कन्फर्म होता है।